नमस्ते दोस्तों, अभी इस सीजन में इमली भी मार्केट में बहुत दिखाई देती है। इतनी सारी इमली को देख के खाने का मन होने लगता है, तो लगा चलो क्यों ना बनाते हैं आज बच्चों के लिए बहुत ही चटपटा सा इमली कैंडी। ये बनाना बहुत ही आसान है। गर्मी भी काफ़ी तेज हो रही है, धूप बहुत कड़क निकल रही है, तो चलिए इस कड़क धूप का यूज़ किया जाए। तो मैं अपने घर के लिए बनाई हूँ पोटैटो चिप्स। एक बार आप बना के रख लेंगे तो साल भर आपको आराम लगेगा। करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस एक बार ठानने की ज़रूरत है। जब एक बार आप ठान लेंगे तो आप ज़रूर पूरा कर लेंगे और साल भर आप आराम और मस्ती के साथ इस चिप्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। घर के वेस्ट मटेरियल से मैं एक क्लिप बनाना आपको बताऊंगी। बहुत ही आसानी से बन जाती है एक क्लिप और इसको बनाने में जीरो कॉस्ट का खर्चा आया, क्योंकि दोनों चीज़ मेरे पास घर पे थे और ये बिल्कुल वेस्ट थे। बस इसी को यूज़ करके मैंने बच्चों के लिए ये क्लिप बनाया है। तो चलिए पहले आपको बताती हूँ मैं इमली की कैंडी मैंने कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने मार्केट से जो इमली खरीदा था उसके अंदर के सीड निकाली हुई थी, उसका सारा छिलका भी उतरा हुआ था। तो मैंने ऐसा ही इमली ख़रीदा था जिसके पीछे मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और जितना आप इमली लेंगे उससे दुगुना गुड़ लेंगे। और एक चौथाई मैंने खजूर लिया है, खजूर का दाना मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है। और लिया है एक कटोरी पीसी हुई चीनी, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर और एक बड़ा चम्मच चाट मसाला। इमली और खजूर को 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। आप चाहें तो स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं, मैं ढोकला स्टैंड में ही इन दोनों को डाल के स्टीम कर लूँगी। ये काफ़ी गर्म हो चुकी थी तो मैं एक फोक की हेल्प से सबको दबा दबा के चेक कर ले रही हूँ। इमली और खजूर दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। अब खजूर और इमली को एक साथ पीस लेना है। पीसने में थोड़ी परेशानी होती है, पर धीरे धीरे मिक्सर ग्राइंडर को चलाते जाएँ, थोड़ा रुक रुक के चलाएं ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स होके बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है मैंने, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे पीसा था। देखिए दोनों मिक्स होके बिल्कुल कड़क सा पेस्ट बन गया है। अब गुड़ को मैं एक नॉनस्टिक पैन में गला लूँगी। गुड़ को मैंने देखिए एकदम छोटा छोटा बारीक काट लिया है ताकि आसानी से ये गल जाए। फिर बिल्कुल लो रखें और गुड़ को लगातार हिलाते रहें, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगी। गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है, अब मैं पेस्ट को डाल दूंगी। अभी पेस्ट थोड़ा कड़क लग रहा है पर गर्म होते ही मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से इमली को गुड़ के साथ मिला लूंगी, लगातार उसे हिलाते हुए मिलाते रहें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सारे मसाले को मिक्स कर दूंगी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक। अपने स्वाद के अनुसार कैंडी को तीखा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो मिर्ची और चाट मसाला का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें। सब मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, गुड़ भी देखिए इमली के साथ सूखने लगेगा और एक कड़क डो जैसा बन जाएगा। इमली वाला डो बिल्कुल ठंडा हो गया था, गोली करने के पहले हाथ में थोड़ा घी लगा ली ताकि वो हाथ में ना चिपके। और आप अपनी इच्छा अनुसार छोटी बड़ी किसी भी साइज की छोटी छोटी गोली बनाएं और उसे चीनी के पाउडर में डुबा के अलग रख दें, इस तरह से गोली आपस में चिपकेगी नहीं। छोटी छोटी गोल गोल मैंने कैंडी बना ली, फिर सारे कैंडी को एक एक करके चीनी के पाउडर में अच्छे से लपेट के दूसरे बर्तन में रख दी। इस तरह से कैंडी तैयार हो गया। थोड़ा सा चीनी का पाउडर को भी मैंने ऊपर से डाला और इसको उलट पुलट करके चीनी के पाउडर के साथ मिक्स की। मैं चिप्स कैसे बनाई ये आपको बताती हूँ। मैंने 2 किलो आलू लिए हैं इसके लिए, और आलू खरीदते वक्त सिर्फ मैंने ये ध्यान रखा कि ये साइज में बड़ी हो ताकि चिप्स बनाने में मुझे आसानी हो। आलू को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल छील लिया है और उसको 2-3 पानी से धो के एक साफ पानी में करके मैं रख दे रही हूँ। ये मेरे हाथ में फिटकरी का टुकड़ा है, इसे तोड़ के मैं एक टोप पानी में डाल दूंगी। इसे मैं पानी में डाल दे रही हूँ और मैं चिप्स इसी पानी के अंदर काटूंगी। फिटकरी डालने से आलू का रंग काला नहीं पड़ता है। ये मेरे पास चिप्स कटर है। आलू को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे लाना है क्योंकि इसमें बहुत तेज़ धार होती है और बहुत ही अच्छी पतली सी चिप्स इससे कट के निकलती है। पानी बिल्कुल गंदी हो गई थी आलू के स्टार्च से, तो मैं सारे आलू को निकाल के इसमें फिर से फ्रेश पानी भर के फिटकरी डाल के आलू डुबो के रख दूँगी। जब मेरे सारे आलू के चिप्स कट गए तब मैंने आलू को एक दो बार पानी से धो के
फिटकरी वाले एक साफ पानी में करके रख दी। मैं सारे आलू के चिप्स को फिटकरी वाले पानी में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। बड़े बर्तन में पानी उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ, जिसमें मुझे चिप्स उबालना है उसमें मैं अंदाज से बड़ा चम्मच नमक मिलाई। पानी जब बिल्कुल खौलने लगे तभी चिप्स डालना है। 5 से 7 मिनट के लिए खौलते पानी में चिप्स को छोड़ देना है। जब मैं चिप्स को निकाली तो देखिए उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। थोड़ी थोड़ी करके चिप्स को उबालते जाएं और उसको जब से ही उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए समझिए आपका चिप्स बॉयल हो चुका है। एक साथ सारा चिप्स न डालें। एक और ट्रिक है, आप आलू को निकालने के बाद हल्का उसे नाखून से वह दबाएं, वो इजीली कट जाते हैं, तो समझिए पक चुकी है। उसे कड़क धूप पे एक कॉटन के चादर पे मैंने जाके फैला दिया। दिन भर धूप लगेगी, इसे 2 दिन कड़क धूप की ज़रूरत होती है। 2 दिन में ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। हाँ, इस धूप में सुखाना एक टफ जॉब है। वो आप एक छाता का यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं या सर पे कुछ कपड़ा ढक लें। और यदि ये काम आप अर्ली मॉर्निंग कर लें तो और भी अच्छा रहता है। इस धूप में डालने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, ऊपर से ये चिप्स भी बहुत गर्म थे, लेकिन ठान लिया था तो उसे पूरा करना ही था। पूरे चादर में चिप्स को फैला के सूखने छोड़ दी थी। वेस्ट मटेरियल से बना हुआ देखिए कितना अच्छा DIY है। कपड़े के टुकड़े पे एक सर्कल बना लेना है। मेजरमेंट के मैंने 6 टुकड़े काट लिए हैं। सर्कल को पहले हाफ फोल्ड किया, फिर उसको भी मैंने हाफ फोल्ड किया। अब ट्रायंगल के सिर्फ ऊपर के हिस्से को सिल लेना है। इस तरह से हर सर्कल को फोल्ड करके ट्रायंगल बनाना है और सबको एक लाइन से ऊपर के हिस्से को सिलते जाना है। जब सब एक लाइन से सिल गई तो दोनों तरफ से धागे को खींचते हुए सबको इकट्ठा कर लेना है और नीचे कड़क गांठ बांध देनी है। देखिए ये फूल के शेप में चारों तरफ से फैल जाएंगे। गांठ बांधते वक्त आप ध्यान रखें कि थोड़ा गांठ नज़दीक से और थोड़ा मजबूती से बांधें, ताकि सारी पत्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे और ये पूरी फूल शेप में दिखाई दे। इस तरह की टिकटॉक क्लिप सबके घर पे मिल जाती है और इस फ्लावर को थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है। गम की हेल्प से इस क्लिप के ऊपर इस फ्लावर को चिपका दूंगी। देखिए कितना सुंदर एक बच्चों के लिए फ्लावर क्लिप बनके तैयार है। इस फ्लावर को तो मैंने क्लिप के ऊपर चिपकाया, पर इस तरह के फ्लावर बना के आप कुशन कवर के ऊपर लगा सकते हैं, छोटे बच्चों की ड्रेस पे लगा सकते हैं। बिल्कुल लो कॉस्ट में बनने वाली ये मस्त सी DIY है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।